الحمد لله الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون." दाकलिन काबिल कदर बुज़ुर्गों अज़ दोस्त आज की इस मुबारक मजलिस के नस्बत से सराईनुस की दो आयतें छप्पन सतावन और अट्ठावन आपके सामने पढ़ी गई जैसे कि अलहदुल्ल हम यहाँ जमा हैं हज़रत मौलाना ने अपने इस मजलिस का मकसद भी बयान फरमाया कि आज की हमारी इस ये मजलिस इजराए तफसीर के सिलसिले में यूँ कह लीजिए नश्त सानिया है पहले भी सिलसिला चलता था तफसर क़ुरान का और फिर से अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना के दिल में दाइया पैदा हुआ और आप हजरत मौलाना के दस्तों बाज़ू बन गए आपने ये सोचा कि इन शहाँ फिर से कुरान मजीद की तफसीर को हम शुरू करेंगे कदम ये ख़ुद नहीं उठते उठाए जाते ये हमारे अजाइम और इरादे नहीं हैं ये सब आसमानी फ़ैसले हम कुछ नहीं कर सकते किसके बस में क्या है किसको ये सलाहियत है कि वो फ़ैसले कर सके दिलों को फेर सके कुलूब और मुसबितकलूब कलूब अल्लाह ही की ज़ात दिल पलटता है पलटा कर फिर किसी फैसले पर जमाता वही अकेला है जी कुलूब भी वही है कुलूब भी वही है पलटाना भी दिलों का उसी के हाथ में है जमाना भी दिलों का उसी के हाथ में है। तो अगर दिल हमारा माइिल हुआ है कि यकीनन हम मोहताज हैं इस किताब हिदायत के और हमें किताब हिदायत को सुनना है तो ये तोफ़ी खुदाबंदी है जी ये तोफ़ी खुदाबंदी है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दाइया पैदा हुआ अब इस दाइये पर हम अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि जो नेक इरादा हमने किया है अल्लाह इस इरादे में हमें दवाम अता फरमाइए, पाबंदी की तोफ़ी मरहमत फ़रमाएगी बस इसी मुनासिबत से ये दो आयतें हैं क़ुरान मजीद की पढ़ी गई क्या फ़रमाते हैं लब्ज़त यासुक़दा अतकुम तुम मब बेकुम व शिफ़ा उलिमा फदूर ऐ लोगों तुम्हारे पास अल्लाह तुम्हारे रब की जानिब से एक मवाइज़त एक वाज एक नसीहत आई है और वो तुम्हारे दिलों के लिए शिफा का ज़रिया है वो हिदायत भी है वो मोमिन के लिए रहमत भी है आप फरमा दीजिए ही फबी दाली का फल हुआ रुम मजमा आप फरमा दीजिए अल्लाह के फ़ल और अल्लाह की रहमत पर ख़ुशियाँ मनाओ। फ़बीदाली का फल या फर हो इसे लेकर खुश रहो हुआ खैर उम्म यजमा ये दौलत दुनिया की तमाम जमा पूजियों से बेहतर है इससे बेहतर कोई दौलत नहीं ये दो आयतें हमने आज की इस मजलिस के लिए पढ़ी तिलावत की अल्लाह के इंतख से क्या कह रहे हैं अल्लाह रबुल्ज़त अ लोगों तुम्हारे पास मविज़त है मज़त वाज़ से है वाज उस नसीहत को कहते हैं कि उसमें ऐसी बातें हों जिन्हें सुनकर दिल में नरमी पैदा हो जाए अमर मरूफ पर चलने और मुनकर से बचने का मिजाज बन जाए पत्थर दिल जिससे मोम हो जाए क़ुर करीम को हम अज्वलता आख़िर पढ़ते हैं तो क़ुरान उसी मज़्त वाज का एक भरा मजमा है यहाँ लब्ल ने हिदायत और गुमराही को भी फरमाया सवाब के साथ अज़ाब का भी ज़िक्र फ़रमाया नेकी और बदी का भी ज़िक्र फ़रमाया जन्नत और जहन्नम का भी जिक्र फ़रमाया जिन्हें सुनकर के पत्थर दिल भी मोम हो जाते हैं ऐसी बातें क़ुर करीब में जमा हैं ये मवा इज़त है दूसरे नंबर पर फरमाया वह शिफा उल्लिमा फिस सुदूर, तुम्हारे दिलों की ढेरों बीमारी का इसमें इलाज भी है अगर हम हमें इसका यकीन नसीब हो जाए और इस शफा के जरिए से हमारे दिल के रोग ख़त्म होने शुरू हो जाएं तो दुनिया के दवाखाने बंद हो जाएंगे मैं दवाखाने में बैठ कर कह रहा हूँ दुनिया के दवाखाने बंद हो जाएँ और शिफा उल्लमाफिस सुदूर कुरान कह रहा है कि तुम्हारे सीनों के रोग का इसमें अल्लाह ने इलाज रखा है सीनों के रोग दो तरह के हैं और उसी की तरफ रहबरी की गई है पहला रोग तो है तुम्हारे सीनों में पैदा होने वाली बातिनी बीमारियाँ अल्लाह हम सब की उससे हिफाजत फरमाए हसद कीना कपट बोगज़ अदावतें दुश्मनियाँ गुनाहों के वसवसे ये सबसे ख़तरनाक बीमारियाँ हैं जाहिरी बीमारी लग जाए इंसान के जिस्म को हलाक करेगी बातिन की बीमारी लग जाए इंसान के रूह को बर्बाद कर देती और न सिर्फ रूह को बर्बाद कर देती वो इंसान भी तबाह हो जाता है और उससे आने वाली नस्लें भी तबाह हो जाती ये सबसे ख़तरनाक बीमारियाँ हैं इन बीमारियों को निकालने के लिए कुरान करीम की ज़रूरत है क्यों कि इसके ज़रिए यानी जब अल्फाज की तिलावत होगी तो दिल मुसफ़ा हो जाएगा दिल साफ हो जाएगा खुद ब खुद गंदगी दिलों से छटेगी और इन गुनाहों की नफरत दिल में पैदा हो जाएगी और नेक नेकमाल की महब्बत दिल में पैदा हो जाएगी और दूसरे नंबर पर और ये अहम है आज के दर्स के अतबार से जब क़ुरान करीम को समझा जाएगा और उसके मानी को समझा जाएगा मार्फत हासिल होगी गुनाहों पर क्या अजाबात हैं गुनाहों के कैसे बुरे असरात पड़ते हैं जब इंसान इसके मानी और तफसर के ज़रिए से समझेगा तो खुद ब खुद हदसत से बचेगा गिबत से बचेगा कीना से बचेगा बुग्ज़ से बचेगा अदावतों से बचेगा हर बातिनी उस गुनाह से और उस वसवसे से बचेगा जो उसकी हलाकत का ज़रिया है फरमाया शिफा उलमा फदूर ये कुरान करीम हमारे सीनों के रोग का शिफा का ज़रिया है सीनों की बीमारी के शिफा का ज़रिया है और ये ज़ाहरी एतबार से भी शिफा है बातिनी एतबार से भी शिफा मैंने बातिन को पहले ज़िक्र किया इसलिए कि असल मकसूद बातिन है ज़ाहिर मकसूद नहीं है जिसम तो मिट्टी खा जाने वाली है और ज़मीन के कीड़े खा जाएंगे दुनिया में आज तक कोई ऐसा तबीब और डॉक्टर पैदा नहीं हुआ कि मिट्टी के हवाले करने के बाद भी वो लाशों को सलामत रख सके इसलिए कि अल्लाह ने यह कानून फितरत बना दिया है वो लाशें सब ख़त्म होने वाली हैं लेकिन रूह हमारी बाकी रहेगी इसलिए कि वो अल्लाह के हुक्म से है खुल रू हम अमरी रब्बी कह दीजिए आप रूह अल्लाह का हुक्म है जैसे अल्लाह बाकी उसका हुक्म बाकी रूह अल्लाह के हुक्म से है वो भी बाकी रहने वाली नेक रूह होगी जन्नत में बाकी रहेगी गंदी रूह होगी अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए वह जहन्नम में रहेगी वहाँ भी बाकी रहने वाली तो रूह अल्लाह का हुक्म है इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता ये बाकी रहेगी इस रूह को अल्लाह के सामने पेश होना है तो असल तो रूह का इलाज है और वो रूह का इलाज कुरने करीम में है कि जब इसके मानी को समझेंगे अल्लाह के अकाम को समझेंगे खुद ब खुद दिलों का रोग खत्म हो जाएगा और ज़ाहरी बीमारियाँ उससे भी शिफा है उससे भी शिफा है चुनाचे गालिबन अब्दुल्ला अबिन मसूद की रिवायत है एक सहाबी उज़र पाक साम की खदमत में हाजिर हुए और कहा यार रसूल अल्लाह सीने में दर्द है या रसोल्ला सीने में दर्द है वज़र पाक सामने फ़रमाया कुरान पढ़ लें उस शिफा है कुरान पढ़ ले उसमें शिफा उन्होंने पढ़ा शिफा नसीब हो गई वासी इबन अस्ख़ा रज़ी अल्लाह तैन एक हैं रिवायत करते हैं एक साहब की खिदमत में आए क्या नबी अल्लाह गले में खराश है गले में दर्द है ने फरमा कुरान पढ़ो गले का दर्द भी शिफा पा जाए अल्हम्दुलिल्लाह ये दो रिवायतें हमारे लिए संद हैं पाक पाकाम की जबान हमारे लिए पत्थर की लकीर है हम तो उस पर ईमान ला चुके हैं प्यारे आका ने कह दिया बात ख़त्म हो गई अब हमें दुनिया के किसी के अर्शाद की ज़रूरत नहीं है और किसी का इंतज़ार नहीं है हाँ हम ये कहेंगे मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी शफा नहीं है क्यों तो मेरे ईमान में कमज़ोरी नबी के फरमान में कोई कमज़ोरी नहीं है वहाँ कोई फरमान आपने फरमा दिया शफा होगी तो अलहद ये ज़ाहरी बीमारियों का भी इलाज है बातिनी बीमारियों का भी इलाज ज़ाहरी वबाओं से बीमारियों से भी बचाएगा ज़ाहरी हालात और मुसीबतों से भी कुरान बचाएगा इसलिए कि जब आदमी कुरान का पैकर बन जाएगा कुरान को अपनी ज़िंदगी बनाएगा और बेहतर ज़िंदगी गुजारने लगेगा कौन उसे ठेस पहुँचाएगा कौन उसे तकलीफ पहुंचाएगा? जाहिर एतबार से भी सेफ़ हो जाएगा और बातिनी एतबार से जब अल्लाह के हुक्म पर नबी के तरीक़े पर चलने वाला कुरान के रास्ते से बन जाएगा तो बातिन भी उसका साफ शफाफ रहेगा तो ये दूसरे जो है कुरान करीम की खूबी बयान फरमाए कि मोजा तुम मबी को ये वाज है और वाज भी तुम्हारे रब ही का है किसी का बना बनाया नहीं है तुम्हारे ही रब का है यह कलाम पाक किसी की सलाहियत नहीं है कि इतने जाम आकाम को पेश कर सके जन्नत और जहन्म के हालात को आप ही बताएं दुनिया में कोई पेश कर सकता है कुरान के अलावा कोई बता सकता है ये कुरान ने बताया कुरान के ज़रिए से मोहम्मद रसूल सल्ला वम ने बताया अगर ये दोनों ने ना बताया होता कौन समझता दुनिया क्या दुनिया दुनिया से ऊपर क्या है आसमानों के ऊपर क्या है जन्नत क्या है जहन्नम क्या है ख़बर की ज़िंदगी क्या है आसमान और ज़मीन के अंदर का ये ख़ला क्या है और उसके पीछे के राज क्या क्या छुपे हुए हैं ये मोहम्मद रसोल्ला के सीने पर अल्लाह ने कुरान के वास्ते से नाजिल फ़रमाया ये अल्लाह ही का कलाम है उसके अलावा किसी का कलाम नहीं और आज नहीं क़्यामत तक के लिए चैलेंज है अगर तुम्हें शक है कि अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस जैसा कलाम तुम ले आओ इस जैसा पूरा कलाम नहीं लाते दस सुरे ले आओ दस सूरा नहीं एक सूरा ही ले आओ कुरान ने उतर उतर के लास्ट में ये कह दिया एक आयत ही लाकर बता दो आज तक कोई ना ला सका साढ़े चौदह सौ साल गुजर गए आज तक क्या क़्यामत कब भी नहीं ला सकता लवि वल इंस, अल्लाह ने चैलेंज किया है सारी दुनिया के इंसान आदम से क़्यामत तक जमा हो जाए सारे इंसान और इंसानों के साथ जिन्नात दोनों जमा हो जाए ये दोनों दुनिया की सबसे ताकतवर मखलूक सबसे समझदार मखलूक है इन दोनों को जमा करने के बाद फरमाया फिर तुम सब मिलकर एक आयत कुरान जैसी लाकर बता दो ने फरमाया नहीं ला सकते और कभी नहीं ला सकते नहीं? हर चीज नहीं ला सकते ला ही का कलाम हमें इसका यकीन होना चाहिए अल्लाह नसीब फरमाए है हमारा दिल मानता है यह अल्लाह ही का कलाम है किसी और का नहीं है अब इसको इसकी अजमत हमारे दिल में होना चाहिए इसको हम फकत ताकतों में ऐसी जगह रखने के लिए हमने जहां हमने नन्हे बच्चों के हाथ न पहुंचे वहां दवाइयां रखी कई बच्चे ये खा कर के मर न जाए हैं ऐसी जगह हमने उठा कर के रखा वैसे ही कुरान को भी हमने इतने ऊपर उठा के रखा कि किसी का हाथ ही ना पहुंचे नहीं ऐसा नहीं कुरान करीम को नज़र में रखिए कुरान करीम को ऐसी जगह रखिए जहां बार बार हाथ जाए और वो याद दिलाए कि ये पढ़ने की किताब है ये समझने की किताब है यह नसीहत की किताब है यह दुनिया और आखिरत की भलाई की किताब है अगर अल्लाह हमें यह समझा दे, हमारा बेड़ा ही पार हो गया हमारा बेड़ा ही पार अगली सिफत क़ुरान करीम की बताई वह हुदन, ये हिदायत है यह गाइड है ये सही रहबरी करने वाली किताब है सही रास्ते पर चलाने वाली किताब है हम सब हिदायत के मोहताज हैं हम सब सही रास्ते के मोहताज हैं कि उस रास्ते पर चलकर अपनी दुनिया और आखिरत बनाएँ वह रहमत लमिन मानने वालों के लिए रहमत भी है रहमत चैन और सुकून की ज़िंदगी रहमत आफियत वाली ज़िंदगी को कहते दुनिया भी और आखिरत के अतबार से भी रहमत जिस पर अल्लाह फरमा देते हैं हदीस खुदी में है इन नहमति तब लुगोला सब इमत अल्लाह फरमाते हैं इज़ा रज़ी तो रहम तो मैं जब किसी बंदे से खुश होता हूँ उस पर रहमत भेजता हूँ व इन रहमती तब लगो अला सब इमत मेरी मेरी एक रहमत मेरी एक रहमत सात नस्लों को आबाद कर देती है सात नस्लों को आबाद कर ये कुरान रहमत बनकर उतरा है जिसने इसको अपने हिस्से में ला लिया अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नस्लें आबाद हो गई और जिसने इससे अपना रिश्ता तोड़ लिया वो बर्बाद हो गए उनकी नस्लें बर्बाद हो गई और आज इस ज़माने में बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है हम अपनी आँखों देख रहे हैं कानों सुन रहे हैं कितनी ऐसी हमारी बेटियाँ हैं नौज बिल्ला जो हमारी कोख से पैदा होकर ग़ैरों के निकाहों में जा रही हैं गैरों की औलादों को जन्म दे रही ये इरतदाद का फितना क्यों आया कि कुरान जो रहमत उतरा था उससे रिश्ता तोड़ लिया गया इसलिए इरतदाद फैल गया कुफ्र फैल गया जी शिरक फैल गया और गुनाहों गुनाह माशरे में आम होता चला गया अगर कुरान ज़िंदगी में होता वह हमें कदम कदम पे संभाल लेता कदम कदम पर हमारी हिफाजत कर नहीं तुम गलत कदम उठा रहे हो देखो कुरान ये कहता है ये कदम सही है ये कदम गलत है ये कुरान समझाने के लिए उतरा था ये हिदायत के लिए उतरा था वह रहमत लमिन फ़रमाया ये अल्लाह की तरफ़ से ममिन के लिए रहमत है और आगे तो इससे बेहतर बात फरमाए कुल भी फ़ल्ला व भी रहमति ही फ़बीदाली का फल य फ्रो कहो आप अल्लाह के फजल और उसकी रहमत फजल अल्लाह का कुरान और अल्लाह के फजल के बाद उसकी रहमत क्या है कुरान पढ़ने की समझ यही लिखा है मुफसरिन ने फजल से मुराद कुरान और रहमत से मुराद कुरान को समझने की अकल अगर अल्लाह ने तुम्हें दी है इस पर खुशियाँ मनाओ इस पर खुशियाँ मनाओ जी फंक्शन मनाओ इस पर जितने आप जो है कौन कौन से डे मना रहे हो एक डे इसका भी मना लो कुरान का भी कि खुशी मनाएंगे हम इस दिन में अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने हमें कुरान भी दिया और कुरान पढ़ने समझने के लिए अक्ल भी अता फ़रमाई और आगे फरमाया दुनिया में जितनी जमा पूंजियां हैं सब जमा कर लो और उसके बाद हमारे किताब को सामने रखो तुम्हारा दिल ईमान अंदर से गवाही देगा इससे बेहतर कोई दुनिया की दौलत नहीं है इससे बेहतर दुनिया की कोई दौलत नहीं अल्लाह का एहसान अल्लाह ने यह शान दौलत हमें अता फ़रमाई है मैंने कुरान करीम की ये दो आयतें पढ़कर उसका तर्जमा किया मुख्तसर उसकी तफसीर इत, इतनी समझने और समझाने की कोशिश की है जो आज की मजलिस के लिए काफ़ी है आज की मजलिस के लिए काफ़ी है कि कुरान हमारे लिए वाज़ और नसीहत है हमारे रब का कलाम है कुरान हमारे सीनों के रोग का इलाज है ज़ाहरी बातनी बीमारियों का इलाज है कुरान हमारे लिए अल्लाह इज़्ज़त की तरफ से हिदायत है कुरान अल्लाह की तरफ से रहमत है कुरान अल्लाह का फजल है कुरान ही वह दौलत है कि इस जैसी कोई दौलत नहीं है अब इतनी तमाम बातें अल्लाह जब खुद फरमा रहा है फिर हम कुरान से दूर क्यों रहें कुरान को क्यों ना समझें दुनिया में आप तारीख उठाकर देख लें वक्त नहीं है कि मैं इस पर तकरीर करूं। आप उठाइए दुनिया की हर कामयाब कौम जो कामयाबी को पहुंची है उसके पीछे कुरान ही कार फरमाए। उसके पीछे कुरान ही कारफर चाहे आप आज दुनिया के साइंटिस्टों को ले लीजिए साइंसदानों को लीजिए या आज दुनिया के सियासतदानों को लीजिए या दुनिया के आप पॉलिटिशन से आगे बढ़ कर के आप लीजिए दुनिया के अंदर में फौजदारी के फ़राइज को निभाने वालों आप दुनिया में लीजिए शहरतें और हुकूमतें करने वालों को बादशाहतें और हुकूमतें करने वाले जो कामयाब हो रहे हैं वो सब कुरान के वास्ते से हो रहे हैं उनको कुरान समझ में आया वो आगे बढ़ गए और हम हमौज़बिल्ला जिन पर कुरान उतरा था जिन के लिए उतरा था वो कुरान से दूर हो गए इसीलिए ज़िल्लत पसपाई हमारा मुकद्दर बन गई इज़्ज़त उनका मुकद्दर बन गई कामयाबियां बज़ाहिर जो नज़र आ रही वो उनका मुकद्दर बन गई और ज़िल्लत अल्लाह के कब्ज़े में और अल्लाह ने कुरान को इज़्ज़त वाली किताब फ़ख्र वाली किताब आफ़ियत वाली किताब रहमत और हिदायत वाली किताब बना कर भेजा था हम आज इस मजलिस में जब बसमल्ला कर रहे हैं तो हम अल्लाह से दुआ भी करें अल्लाह आज से हमने इस दर्स का आगाज़ किया है इन अजावल त आखिर मुकम्मल क़ुरान पाक पाबंदी से हम सुनेंगे पाबंदी से हम इसकी तफसीर में शिरकत करेंगे और इससे अपने जाहिर वातिन को बेहतर बनाएंगे अपने तमाम कामों को आगे पीछे कर कर दर्स के वक्त में इनशा हम हाज़िर होंगे और उस दर्स से हम इस्तेफादा करेंगे या हम यहाँ तय करें हमारे यहाँ भी इन शैसे हज़रत ने बताया मेरे अलमदिल्ला आज मौलाना हमारे हम मौलाना के दरसी साथी हैं हज़रत भी 2001 हज़ार एक में दारुल देवबन से फ़ारिग हुए हम भी उनके साथ फ़ारिग हुए उस ज़माने से अब तक मौका मिला इफ्ताह किया दो हज़ार दो में मुफ्ती कोर्स किया दो हज़ार तीन से लेकर दो हज़ार तेईस बीस साल अलहमदिल्ला हो गए है ना बीस साल हो गए इस बीस साल दौर में अलहमदिल्ला चार चौथा दौर हमारा अब कुरान करीम का चल रहा है तीन दौर तफसर के मुकमल छः छः साल के अरसे में अलहमदिल्ला एक एक दौर करीम की तफसीर का हुआ अब चौथी मरतबा अलहमदिल्ला मेरी मस्जिद में तफसीर का दौर चल रहा है लोग आते हैं पाबंदी से आने वाले और भी मस्जिदों से कुछ साथी वो आते हैं कुछ अहबाब जो डायरियाँ लेकर आते हैं कापी नोटबुक लेकर आते हैं और उसमें खुलासा लिखते हैं कि भाई इसमें मेरे काम की चीज़ है है ना हर आदमी अपने अपने एतबार से चुनता है बाज़ार में जाता है ये हिदायत का बाज़ार है यहाँ भी हम काम की कीमती चीज़ों को चुने कि मेरे लिए ये फ़ायदे की चीज़ है और मैं इस पर अमल करूँगा मैं इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाऊंगा इस तरह एक शौक जज्बे से लोग आते हैं इस्तेफादा करते हैं हम ये नहीं देखेंगे कि पूरा मजमा भरा पड़ा है या नहीं पड़ा एक आदमी भी अगर कुरान की हिदायत पर आ जाएगा तो इन श्ला उसकी नस्लें संवर जाएंगी कितनी नस्लें बैठी हैं अब मेरे सामने जितने अफराद बैठे हैं ये बीस बाईस अफराद नहीं हैं अलहमदिल्ला मेरे सामने ये बीस ख़ानदान हैं बीस नस्लें हैं अगर आप संवर गए आपकी नस्लें संवर जाएंगी हम इस अजाइम से इस इरादे से आएँ और कुरान से वाबस्ता हो जाएँ हमारे अकाबिर बार बार इस तरफ रहबरी करते हैं हमारे अकाबिर मदारस तो अलहमदुल्लह करते ही रहते हैं तफसीर खानक के अकाबिर मेरे हजरत के यहाँ मैंने देखा मजलिस का आगाज़ ही कुरान से होता है अक्सर मजलिस हजरत तफसर कुरान से रमज़ान में तफसर सुनाते हैं बड़ बड़े बड़े जईदमा अकाबिर मुहदसन मुफसरिन मजलिस में बैठे होते हैं और हजरत अक्सर रमज़ान में सूरत जुहा से आखिर तक की तफसीर फरमाते छोटे छोटे सुर हैं लेकिन बड़े बड़े बैठते हैं इस्ता करते हैं जब बड़े बड़े आला मशाइख मुफसिन मुहदसन मोहताज हैं तो क्या मैं और आप मोहताज नहीं हैं हमें ज़रूरत नहीं है कुरान की और कुरान को सीखने की समझ की तोफ़ी अल्लाह हमें दे और दावत के हमारे अकाबिर हैं अलमदिल्ला वो भी कुरान ही से बयानत करते हैं कुरान ही समझाते हैं खुद मैंने बंगला वाली मस्जिद में हज़रत मौलाना सात साहब नाहौदबर बरकातुम के अल्फाज मैंने खुद सुने मेरे इन कानों ने सुने मैंने लिखे हज़रत ने फरमाया कि हर मस्जिद में तफ़िर कुरान का दर्स होना चाहिए अल्लाह करे उम्मत को समझ आ जाए हजरत ने खर फरमाया कि हर मस्जिद में कुरान का दर्स होना चाहिए बल्कि इससे आगे मौलाना के अल्फाज मैं नकल कर रहा हूँ हजरत ने फरमाया अगर कहीं किसी नमाज के बाद तफसीर होती है और उस वक्त तुम्हारा मशवरा होता है तो फरमाया कि तफसीर का वक्त मत बदलो मशवरे का वक्त बदलो तफसीर उस वक्त में होनी चाहिए मशवरे का तफसीर मुकदम है मशवरा मखर हजरत ने फरमाया अल्लाह हमें इस समझ की तोफ़ी दे कि सारे अकाबिर मुतवज्जे हैं हम भी मुतवजह हो जाएँ क्यों ये ज़माने के हालात बता रहे हैं ज़माने की ज़ाहिरी बीमारियाँ और बातिनी बीमारियाँ बता रहे हैं इलाज की ज़रूरत है और इलाज के लिए पूरी दुनिया जमा हो जाए कुरान से बेहतर इलाज नहीं ला सकते इसलिए फरमाए तुम कुरान पे आ जाओ ये हमारे तमाम अकाबिल समझ कर हमारी रहबरी कर रहे हैं अल्लाह हमें इस समझ की तोफ़ी कता फ़रमाएँ बहुत अच्छा कदम आपने उठाया मुबारक कदम है और मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबादी आपको देता हूँ और कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल के इबादत खाने में माशाल्लाह ये अल्लाह ताला ने आपके अंदर दाइया पैदा किया है तो इंशाल्लाह इनशाला सबके दिलों की बीमारी का जर, इलाज का ज़रिया बन जाएगा है यहाँ ज़ाहरी बीमारियों का इलाज हो रहा है इंशाल्लाह बातिनी बीमारी का भी इलाज अरे बस समझ में ये दवाखाना जिस्मानी बीमारी का भी है तो ऊपर लिखा है हॉस्पिटल जिस्मानी बीमारी का नीचे आप लिख दीजिए ये रूहानी बीमारियों का इलाज ये डबल हॉस्पिटल हो गया आज से इन और यहाँ दर्स चलेगा इस्ताम से करेंगे आप सब हजरा मुआविन बनेंगे अहतमाम से पाबंदी से आप यहाँ शरीक होंगे आने वाले पेशेंट्स हजरात को भी लाइए कि भाई आपने वहाँ जो है दवा ली है यहाँ से शिफा लेकर जाइए वहाँ दवा ली है यहाँ से शफा लेकर और मुझे यकीन अल्लाह की ज़ात से जब यहाँ कुरान का दर्स होगा उसकी बरकत से अल्लाह ताली यहाँ के डॉक्टर्स हजरा के हाथ में शिफा भी पैदा फरमा देंगे यहाँ आने वाले मरीज़ को आफ़ियत मिलेगी मैं बहुत खुश हुआ जब नीचे उतरा हुआ मैंने देखा माशा हॉस्पिटल के नीचे इबादत खाना है जी तो ये असल दवा खाना है ये असल शिफा खाना है यही वो दवा खाना है ये शिफा खाना है तो माशाल्लाह यहाँ दोनों चीज़ें हैं और इसके ज़रिए से इन हिदायत फैलेगी आम होगी अल्लाह ताला आपके नेक अजाइम को कबूल फरमाएँ इरादों में इस्तकामत अता फ़रमाए हर मुमकिन मदद फरमाएँ हर सबब अल्लाह जरिया पैदा फरमाएँ आपको हमें कामयाबी अता फ़रमाएँ कहने वाला अमल का ज़्यादा मोहताज है सुनने वाले भी अमल के मोहताज हैं अल्लाह सब का अमल की तोफ़ी अता फ़रमाएँ और बनातीन फ़िर दिनिया हसन व फिला हसन वम़ीना ज़ाबनारालमिन हमारे उलमा ने हमारे बुज़ुर्गों ने दोस्तों ने डॉक्टर साहब और उनकी पूरी जमात ने ये आजम और इरादा किया है कि आज से यहाँ दरस कुरान का सिलसिला जारी होगा अल्लाह आप इस आज़म और इरादे को कबूल फ़रमाई अल्लाह दिलों के इरादे आप ही के चाहने से पैदा होते हैं आपने चाहा हमारे दिल में ये इरादा पैदा हुआ और इन साथियों ने मिलकर यह आज़म किया कि इन हम ये इस्तकाम से अमल करेंगे अल्लाह आप इसको कबूल फरमाइए अपनी मदद और नुसरत शामिल फ़रमाइए कुरान करीम की आयत की तफासिर के लिए जिन किताबों की ज़रूरत है जिन असबाब की ज़रूरत है और जिस किस्म के मुताले की ज़रूरत है उसके लिए मौलाना का सीना खोल दीजिए ज़बान में वो और तासीर पैदा फरमाइए जिससे दिलों का रोग ख़त्म हो जाए हम हिदायत पर आ जाएँ हम रहमत पाने वाले बन जाएँ हम बातिनी बीमारियों से शिफा पा जाएं हम इस वाज व नसीहत से अल्लाह नसीहत हासिल कर सकें ऐसी तासीर पैदा फरमाइए सुनने वालों में बीमानी जज्बा पैदा फरमाइए हर एक के वक्त में बरकत अत फरमाइए पाबंदी की तोफ़ी अत फरमाइए हर दर्स और सबक को पाबंदी से पढ़कर सुनकर नसीहत हासिल कर कर अमल करने की भी तोफ़ी अत फरमाइए एल्ला अगर ऐसा ऐसी कोई शक्ल बन जाए कि मर्दों के साथ खातिन भी सुन सकें तो अल्लाह उसकी भी तोफ़ी अत फ़रमाएँ यहाँ के ज़िम्मेदार उसकी तरतीब बना सकें उनको इसकी तोफ़ी अता फ़रमाइए क्यों तो मर्दों के साथ हमारी औरतें भी इसकी बहुत ज़्यादा मोहताज हैं और इस ज़माने में औरतों को ज़्यादा ज़रूरत पेश आ रही है हमारे मुल्क हालात की मुनासिबत से तो अल्लाह हमारी बहनों के लिए भी ख़वान के लिए भी इसकी तरतीब बना दीजिए और इस्बा पैदा फरमाइए इस के साथ अल्लाह घर घर में और म, मस्जिद मस्जिद और घर घर में अल्लाह दरस कुरान के अबाब पैदा फ़रमाइए तोफ़ी अता फरमाइए यहाँ आए हुए तमाम साथियों को कबूल फरमाइए इन सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमाइए हर एक की परेशानियाँ दूर फरमाइए जो बीमार बीमारियों से शिफा अता फ़रमाइए जो कर्ज़ों में उनको कर्ज़ों से सबकदोशी नसीब फ़रमाइए ए अल्लाह जो कोई अलामिन बिन बिया बच्चे बच्चियाँ जिनके घरों में बैठे हैं उनको नेक जोड़े जुड़े फ़रमाइए जिनको जो बे हैं उन्हें नेक साल औलाद अता फ़रमाइए दूर बैठे भाई बहनों ने रिश्तेदारों ने और हमारे मतलकन ने जितनों ने भी दुआओं के लिए कहा लिखा जिनका हम पर हक़ है जिनको हमसे तोक़् है उन सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमाइए और बना तकबल मिन नकन तस्मीआलिम तुमिनकन तव्बर सलोली तिर खलक़ीन सजमैन बरहर